गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय ब्लॉग। तो अभी बजे सुबह के 10 और मैं ब्लॉग को आज इसी टाइम से स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि सुबह मेरा नहीं हो पाती। आप लोगों सबको पता है कि सुबह तो इनका खाना बनाना रहती है और कुछ ना कुछ भागादौड़ी मेरा चलती है, तो सुबह नहीं हो पाई। तो अभी आंटी आएगी, मैं वेट कर रही हूँ क्योंकि आज दोपहर को हमारा पार्टी है, इसीलिए बस हालदार के लिए और आरुषि के लिए खाना बनाई। हमारा जो जुम्मा क्लास है तो उधर हम लेडीज़ों का पार्टी है, आंटी सब क्लीन करके जाएगी, उसके बाद मैं आरुषि को लेके जाऊंगी। तो आंटी को बोला थोड़ा जल्दी आके जल्दी जाए, उसके बाद मैं भी थोड़ा जल्दी जा सकती हूँ। तो गाइज आज राइस के साथ है एक फ्राई और लौकी के साथ फिश का हेड देके एक सब्जी और बीन्स और आलू का फ्राई और साथ में है दाल और फिश करी। जब छोटी थी, इससे भी ज़्यादा छोटी थी, तब नीचे बैठ के बेड पे बैठ के या सोफे पे कहीं बैठ के ये खेलती थी, मैं खाना खाती थी। और आजकल देखिए आरुषि चेयर लेके आके चेयर के ऊपर खड़े होके डाइनिंग टेबल से मेरे साथ हाथ से राइस या एग या फिश जो भी हो वो खाती है। तो मैं सोच रही हूँ कि आरुषि ये 2 साल में धीरे धीरे करके कितना बड़ी हो गई कि अभी खुद ब खुद हाथ से खाना खाने लगी। तो ये बहुत ही अच्छी लगती है, मुझे तो लगती है कि आरुषि अभी भी वही आरुषि है कि जब लेके आई थी हॉस्पिटल से, वो वाला आरुषि है। पर ये इतना शैतान हो गई कि खुद से ऐसा हाँ भालो लग चे हाँ जोड़े बोलो भालो लग चे है बड़े जोड़े बोलो सुपर लग चे कोमा बिल्लू कोमा ना लेबू बिल्लू ना लेबू। आजकल बहुत कुछ बोलना सीख गई अरुषि। छाता बेटा खाना खाने दो, तुम भी खाओ, बाद में दिखाना ये सब, है ना। मेरे दरवाजे में बेल लगाएगी और इनका गाना स्टार्ट। गाना लगाने से ना आंटी का जोश थोड़ा ज्यादा ही बढ़ जाती है मुझे लगती है। अभी आरुषि को जाकर तेल लगाना छत पे। तो आरुषि को मैं तेल लगा दिया, अभी देखिए ये पूरा नंगा होके ऐसे घूम रही है। और मैं भी थोड़ा छत पे आके, ये जो धूप है ना मुझे बहुत अच्छी लगती है, ये ठंडी की मौसम में ये धूप। तुम्हें जो ही जाए बोलो ना करो, যতক্ষণ না আমি গিয়ে জায়গা মতো মানে মতলব গন্তব্যস্থলে পৌঁছচ্ছি ততক্ষণ আমি বিশ্বাস করতে পারছি না আমি যাচ্ছি, কারণ এরকম বহুবার হয়েছে, লাগেজ প্যাকিং করেছি, জামা কিনেছি, एंड ऑफ द टाइम अभी जाते पड़ेगी। तो गाइस हल्दार बोल रहा है कि तुम बताओ हम लोग कहाँ जाने वाले हैं, पर मैं नहीं बताऊंगी कुछ भी क्योंकि हर बार प्लानिंग करने के बाद पोस्टपोन हो जाती थी। लास्ट टाइम हम लोग पैकिंग सब कुछ करके एंड ऑफ द टाइम जब दार्जिलिंग जाके पहुँचे तभी आप लोगों को बताया कि हाँ हम लोग फाइनली दार्जिलिंग आए हैं। तो इस बार भी सेम ही है, मैं जब निकलूंगी घर से तभी आप लोगों को बताऊंगी। तो गाइस आप लोग गेस करो कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं, आप लोगों को ये पैकिंग देख के तो पता ही चल गया कि कहीं तो जाने वाले हैं। तो आप लोग भी गेस करो कि हम लोग कहाँ जाने वाले हैं। तो फाइनली हमारा लगेज पैकिंग एकदम से डन। देखो पिकनिक चल रही है, देखो आरु थोड़ा देख। हाय जुम्मा क्लास से आने के बाद हल्दार को फ़ोन किया तो उसका अभी आने में लेट है। छोटा छोटा करके लेची बना रही हूँ, अभी बनाऊंगी मोमो। तो मोमो का ये जो स्टफिंग है मेरा रेडी हो गई और इस पर पत्ता गोभी, प्याज, अदरक और मिर्ची डाली, थोड़ा नमक डाल के और सादा वाला तेल, और ये
इतना सा ही लेची से मैं जितना हो सके मैं बना लूंगी ये मोमो। हल्दर अभी तक घर पे नहीं आई और मेरी मोमो ऑलरेडी बन गई, और थोड़ी सी मैदा है उससे और लगभग 4 से 5 ऐसा मोमो होगी। हम लोग अभी आ गए सब मोमो पार्टी करने। तो गाइस आज के ब्लॉग को इधर ही एंड करती हूँ। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो जरूर लाइक कमेंट और शेयर कर दीजिएगा, और सब्सक्राइब करना ना भूलिए मेरे चैनल को। के लिए टाटा बाय, फिर मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में।